एकांकी दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बनवीर का चरित्र चित्रण। बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षक है, क्योंकि कुंवर अभी अल्पायु है। वह विलासी और क्रूर है और रक्त को तलवार की शोभा मानता है। वह चित्तौड़ पर राज करना चाहता है, चित्तौड़ का कल्याण करना चाहता है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। परंतु उसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी पड़ सकती है। इसीलिए वह विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचता है और दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। कुंवर उदय सिंह की हत्या ही उसके राज सिंहासन की सीढ़ी है। पहले वह सोना को कुंवर उदय सिंह को बुलाने भेजता है, लेकिन कुंवर नहीं आते, क्योंकि वह सो रहे होते हैं। वह फिर धाईमा के किले की घेराबंदी करवाकर उनके महल में जाता है। वह धाईमा को जागीर का प्रलोभन देता है और कुंवर उदय सिंह को उसे देने को कहता है, ताकि वह कुंवर को तलवार दे सके। लेकिन राजपूतानी व्यापार नहीं करती, कहते हुए पन्नाधाई बनवीर का प्रतिरोध करती है। वह स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए जब धाईमा अपनी कटार से दुष्ट बनवीर पर वार करती है, तो वह उसे ढाल पर लेकर कटार छीन लेता है। लेकिन नराधम नारकी बनवीर अपनी तलवार उठाकर चंदन, जो कुंवर उदय सिंह की जगह पर सो रहा था, उस पर प्रहार करता है और उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर देता है।